टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए अच्छी होती है उतनी ही बुरी। इनमें से एक उदाहरण है डीप फेक वीडियो या फोटोज, जिसका इस्तेमाल करके किसी की फोटो या वीडियो को आसानी से बदला जा सकता है। हाल ही में इसके कई मामले सामने आए हैं, जिसमें एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, सारा तेंदुलकर, यहाँ तक कि पीएम मोदी तक की तस्वीर से छेड़छाड़ कर दी गई। लेकिन अब इसके लिए सरकार जल्द ही नए कानून ला सकती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार डीप फेक और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने 23 नवंबर और 24 नवंबर को सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ अलग से दो बैठकें भी बुलाई हैं। 23 नवंबर को होने वाली बैठक में फोटो वीडियो में होने वाली छेड़छाड़ पर चर्चा की जाएगी, तो वहीं 24 नवंबर को होने वाली बैठक में आईटी नियमों के पालन पर चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रशेखर ने कहा कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सशक्तिकरण करने वाले हैं, मगर इनका इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने, समाज में टेंशन पैदा करने, अव्यवस्था पैदा करने और हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीप फेक भारतीय इंटरनेट यूजर्स के लिए बड़ा खतरा है। उनका इशारा हाल ही में डीप फेक के गलत इस्तेमाल से जुड़े हुए मामलों की तरफ था।